और खबर अयोध्या से है, जहां पर उदया चौराहे पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए गुप्ता होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, जिसकी दुकानें भी ध्वस्त कर दी गई हैं। मामले में एसडीएम ने बताया कि कई बार सूचना देने के बाद भी उन्होंने दुकान खाली नहीं कराई। दुकान खाली नहीं कराने पर बुलडोजर से अब दुकानों को गिराने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित ने बताया कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि आज मेरा मकान ध्वस्त कर दिया गया है, हम लोग बेघर हो गए, प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका मुझे मुआवजा दिलाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं एसडीएम सदर ने मामले में क्या कहा है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। पहले इनको प्रॉपर तरीके से इनको सूचना दी गई है और इनको कहा भी गया था, एक महीना पहले भी क्या बता दिया, और व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारी गणा करके इनको बताए थे। और ये रोज़ कह रहे थे कि हम आज हटाएंगे कल हटाएंगे, इसकी वजह से हमारा जो आरोग्य का कार्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा था। तो आज इनको सुबह से ही कहा गया था, लेकिन इन्होंने कुछ सामान अपना हटा लिया और उसके बाद इसको हटाया जा रहा है, चूँकि हमारा काम प्रभावित हो रहा है। किस तरह की भूमि थी ये? हमारी नजूल की भी थी, इधर आगे हमारी रोड इंक्रोचमेंट था, दोनों तरह की जमीन है। आरोप है कि अब आरोप तो जो अगर उनको अवैध हैं तो कुछ न कुछ कहना है, लेकिन उनको सारी जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है।